क्षेत्र में कई दिनों बाद एक बार फिर मेघ मेहरबान हुए हैं। दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शुक्रवार शाम शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर देर तक जारी रहा। इससे क्षेत्र के तापमान में गिरावट आई और कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आज मन को राहत मिली है। सुबह से क्षेत्र में लगातार घने बादलों की आवाजाही का दौर चलता रहा। दोपहर में मौसम पूरी तरह साफ हो गया और तेज धूप निकल आई, जिसके चलते लोगों को तेज उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। लोग दिन भर पसीने से तरबतर होते रहे। दोपहर बाद एक बार फिर क्षेत्र में घने बादल छा गए और लगभग 5 बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर तक जारी रहा। यहाँ गौरतलब है, क्षेत्र में कम बारिश के चलते नदी नाले तालाब और बांध लगभग आधा अगस्त का महीना बीतने के बाद भी रहते हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को चिंता सताने लगी है। देर शाम हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। हिंडौन सिटी कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर मुकेश नायक ने बताया कि क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।